रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डैफोडिल्स किचन। आज जो डैफोडिल्स किचन में बन रहा है जी, हम ज़बरदस्ती जी रोस्टेड चिकन बना रहे हैं, स्टीम रोस्ट करेंगे और साथ में इसके चावल बनाएंगे और देखेंगे कि राइस कैसे बनेगा। तकरीबन मैंने 2 किलो के अराउंड मैंने ये चिकन होल चिकन ले लिए, साफ़ सुथरा धो लिए, अदरक लहसुन और सिरके और नमक के पानी में इसको फॉर अबाउट 15 मिनट्स के इसको डिप करके रखा। मसाले बड़े सिंपल हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला 1 टीस्पून, ये मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के, ये हमारे पास आ गया जी नमक 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है, और हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, और साथ में हमने लिया है जी चाट मसाला 1 टीस्पून। इसके अलावा लेमन हमें चाहिए तकरीबन 1 बड़े साइज़ का जिसमें अच्छा सा रस हो, तकरीबन 2 टेबल स्पून। दही मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिए हैं। इसके अलावा मैंने लिया है अजवाइन ली है तकरीबन 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, ज़ीरा और धनिया मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, ज़ीरा 1 टेबल स्पून लिया है, दोनों को भून लिया है। काली मिर्च आप देख सकते हैं तकरीबन 1 टीस्पून आप ले लें, 2 बड़ी इलायची ली है, 4-5 हरी इलायची है, 1 दालचीनी का स्टिक है, साथ में आप ये देख सकते हैं तेज जो है हमने पात लिया है तकरीबन 2 पत्ते मीडियम साइज़ के, रजरदे का रंग चाहिए होगा लॉन्ग 5 से 6 अदद। और हमें क्या करना है कि ये जो साबित धनिया है, ज़ीरा है, और ये जो हमारे पास काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, इसको हम पीस लेंगे क्योंकि हम इसको चावल में भी यूज़ करेंगे और साथ में इसके अंदर भी डालेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमें तकरीबन 2 टेबल स्पून हमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है, तो अदरक लहसुन और हरी मिर्चें तकरीबन 8 से 9 अदद है इसके अंदर, क्योंकि ये चावलों में भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तकरीबन 8 अदद हरी मिर्चें। अदरक का हमारे पास 1.5 इंच का टुकड़ा, और तकरीबन हमारे पास आधी जो गड्डी थी क्लोव्स की, लहसुन की, वो मैंने बड़े साइज़ के क्लोव्स थे मेरे पास, तकरीबन आप समझ लें 10 से 8 अदद हमारे पास क्लोव्स, इसको मैंने पीस लिया है। इसके अलावा कसूरी मेथी ये हम यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, अब सबसे पहले क्या करना है, इन मसालों को मैं भून तो मैंने लिया है, जस्ट पीसती हूँ फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का जो हमारे पास पेस्ट है ना ज़बरदस्त सा, इसको तकरीबन मैं इसके 2 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है। ठीक हो गया, 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, साथ में हमारे पास आ गया है लेमन 2 टेबल स्पून, साथ में आ जाएगा ये हमारा जो मसाला हमने ग्राइंड किया है, तकरीबन ये मुझे चाहिए होगा, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून हो गया, सही हो गया जी, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मुझे ये मसाला चाहिए, बाकी हम चावलों में यूज़ करेंगे। कसूरी मेथी ज़बरदस्त सा फ्लेवर देती है। ये आ गया अजवाइन तकरीबन 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, जर्दे का रंग, हमारे तमाम स्पाइसेस इसके अंदर शामिल हो गए जी, ज़बरदस्त ही रेसिपी झटपट बन जाएगी, लेकिन मैं इसको मैरिनेट करूँगी फॉर अबाउट 24 आवर्स या 1 दिन पूरा आप इसको दे दें तो अच्छी सी मैरिनेशन हो जाएगी। चिकन को मैंने अच्छा सा धो लिया था, कट लगा लिए हैं, सही हो गया जी, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। दही 2 टेबल स्पून जो मैंने डाला है वो एनफ है, सही हो गया जी। साथ में इसके ऑयल भी अभी शामिल हो जाएगा, वेजिटेबल ऑयल आपके पास है वो डाल लें, और बेस्ट तो सरसों का तेल होता है, लेकिन इस मोमेंट में मैं इस वक्त तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया है, मैंने ये इसके अंदर ऑयल डाल दिया, अच्छी सी मिक्सिंग कर रही हूँ, और फिर इसमें चिकन शामिल करेंगे, और ये देख सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च और जर्दे का रंग हमने डाला है ताकि अच्छा सा इसके अंदर कलर आ जाए, तो अच्छी सी मिक्सिंग हो चुकी है, चिकन को अब इसके अंदर शामिल करते हैं। चलें जी, हमारी चिकन जो बहुत अच्छी सी हमने धो के रख ली थी, इस पर अच्छा से पहले मसाज करते हैं हम हाथों की मदद से, ये देख सकते हैं आप, उसके बाद मैं इसको बाउल में शामिल करूंगी, तो अंदर जो हमारे कट्स लगे हुए उसके अंदर हम देख सकते हैं आप डाल रहे हैं, इसके अंदर ज़बरदस्त से राइस बनेंगे इसी मसाले के साथ, सिंपल सा मसाला हम डालेंगे और कोई इतना स्पाइसी सा नहीं बनाएंगे हम राइस, ये देख सकते हैं ज़बरदस्त से जी मसाला इसके ऊपर लग रहा है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है, रेड सा लग रहा होगा आपको, कट्स अच्छे से हमने लगा लिए थे, तो अच्छा सा मसाज इसको हम दे रहे हैं,
ज़बरदस्त सर। अच्छा उसके बाद फिर क्या करूँगी मैं, इनकी जो लेग्स हैं जो टांगें इनको अच्छा सा बांध देंगे ताकि कुकिंग में हमें फिर मसला ना हो। बैक साइड पे भी अच्छा सा मसाला जी लगा रहे हैं हम। ठीक हो गया जी, ये देख सकते हैं आप, तो ज़बरदस्त से जी इसका मसाज कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अब मैं इसके अंदर इसको शामिल कर रही हूँ और फर्दर जो मसाज है, जो मसाला है, इसको अच्छा सा इसके अंदर लपेटती हूँ। मैं इसको रखती हूँ 24 आवर्स के लिए और इसकी टांगें बांधती हूँ ताकि कहीं भाग ना जाए। टांगें बांध देते हैं इसकी और फिर हम आपसे 24 आवर्स बाद जिसकी मैरिनेशन हो जाएगी कम्प्लीट, फिर राइस तैयार करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। चलो जी, चिकन अच्छा सा मैरिनेट हो गया है, ओवरनाइट रख दिया था, देख सकते हैं ज़बरदस्त सा रेड कलर आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करने लगी हूँ, इसको मैं रोस्ट करूँगी। अल्मीनियम फॉइल को मैं करती हूँ रैप और इसको अच्छा सा स्टीम करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। प्री हीटेड पॉट था, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, स्टैंड रख दिया और हमने अपनी चिकन रख दी और अबाउट 25 to 30 मिनट्स इसको हम अच्छा सा स्टीम करेंगे और फिर फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। चलें जी, चावल तैयार करते हैं। ऑयल मैंने तकरीबन 1 कप डाल दिया है, चावल मैंने तकरीबन आप समझ लें 700 ग्राम लिया है। प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ की काट ली थी, ये इसके अंदर मैंने शामिल कर दी, मीडियम साइज़ की प्याज। चावल तकरीबन 700 ग्राम के करीब मैंने लिया है, तकरीबन आप समझ लें 3-3.5 कप होगा। अच्छा, प्याज हमने इसमें शामिल कर लिया है, साथ में हम साबित गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे और इसमें 2 तेज़पात मैं डाल रही हूँ, बादियान का फूल है, 5 से 6 अदद काली मिर्च है, 3-4 लौंग हैं, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी के स्टिक 1 ले लेंगे और थोड़ा सा जीरा। इसको मैं करती हूँ जी सुनहरे कलर में लाती हूँ, फिर आपसे मिलता है। ये जो अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट हमने बनाया था, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने भर के डाल दिया। इसके अंदर हमने दही शामिल कर दी है। दही शामिल करने के बाद जो हमने मसाला बनाया था, जो चिकन पे भी लगाया था, ये तकरीबन हमारे पास 1 टेबल स्पून हम भर के इसमें शामिल कर रहे हैं। 1.5 टेबल स्पून हमने ये मसाला शामिल कर लिया है जो हमने चिकन पे भी लगाया था। साथ में इस पॉइंट पे हमारे पास नमक आ गया, तकरीबन मैं नमक कम डाल रही हूँ। मेरे पास क्योंकि 700 ग्राम के करीब चावल है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसमें नमक शामिल हो गया। अच्छा सा इसको जी मिक्स कर रही हूँ। साथ में अब मेरे पास जी पुलाव मसाला घर का बना हुआ है, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ये भी इसमें शामिल हो चुका है। तो चलें जी इसको अच्छा सा भूनते हैं और इसमें टमाटर भी शामिल करते हैं, पहले हल्का सा भून लेते हैं। फिर हमने एक मीडियम साइज़ का टमाटर भी ऐड कर दिया है और अब हम क्या करने लगे हैं कि अब इसको सॉफ्ट करते हैं, फिर इसमें चावल शामिल करते हैं। इसमें हमने धनिया पुदीना इसमें शामिल कर दिया और साथ में जो है अपने राइस शामिल कर देते हैं इसके अंदर। राइस भी आ चुके हैं इसके अंदर, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। कुछ हरी मिर्चें भी आ गई और पानी शामिल करते हैं, थोड़ा सा 1 इंच ऊपर रखेंगे। ये ज़बरदस्त से देख सकते हैं आप, इतना पानी काफ़ी है। अब मैं इसको करूँगी कवर और फिर ज़रा चिकन को देखते हैं कि क्या हाल सिचुएशन है। अच्छी सी रेडी हो चुकी है आप देख सकते हैं, तो बस चावल हमारे रेडी होते हैं तो फिर हम इसको फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो चिकन हमारी अच्छी सी रेडी इस वक्त हो चुकी है, टेंडर हो चुकी है आप देख सकते हैं। तो बस अब चावल रेडी होते हैं, फिर इसे सर्व करते हैं जी। चावलों को दम लगाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने जर्दे का कलर इसमें डाल दिया, अब देते हैं इसको अच्छा सा दम। हमारे राइस रेडी हो गए हैं, इसको मैं डिश आउट करती हूँ और फिर हम इसके अंदर अपना जो है चिकन शामिल करते हैं। देख सकते हैं खिले खिले से राइस हैं। अच्छा, जर्दे का कलर मैंने इसको डाल दिया था इसके ऊपर ताकि अच्छा सा लुक आ जाए। आप देख सकते हैं पॉट के अंदर ज़बरदस्त जी फ्लेवर, खुशबू और जर्दे का रंग इस पर बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। चलें जी, ये थी आपकी ज़बरदस्त सी रेसिपी। उम्मीद है कि आपकी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।